नमस्कार, समाचार प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। सरकार ने किया 48 आईएएस के स्थानांतरण। देर रात जारी किए गए कार्मिक विभाग ने आदेश, तो कार्मिक विभाग के आदेश के बाद ये तबादले किए गए हैं। स्थानांतरण में 16 कलेक्टर शामिल हैं, तो वो 16 कलेक्टर के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। जयपुर नगर निगम के सीईओ ज्ञानाराम चौधरी का भी तबादला किया गया है। तो सरकार ने 48 आईएएस के तबादले किए हैं। पीयूष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, ये जो 16 कलेक्टर इनमें शामिल हैं और आईएएस अधिकारी हैं, उनके तबादले किए गए हैं और कुल 48 संख्या है इनकी, क्या वजह है कि इनके तबादले किए गए हैं? देखिए, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये तबादले किए गए। हालांकि काफी समय से उम्मीद की जा रही थी कि तबादलों की सूची आएगी, लेकिन फिलहाल कल जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग ली, उसके बाद देर रात कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी करे। खास बात यह है, मैं आपको बता दूं कि तीन बड़े जिले उदयपुर, बीकानेर और कोटा, इन तीनों जिलों के तबादले जो कलेक्टर थे उनके तबादले किए गए। टोटल 16 जो कलेक्टर है उनको बदला गया है। हालांकि 48 आईएएस के जो तबादले है वो किए गए एक निर्धारित प्रोसेस है, लेकिन इन तीनों जिलों में से दो जिले ऐसे थे जिसके संभाग का जो दौरा है खुद जो सरकार है सरकार ने किया जा चुका था। बीकानेर संभाग की बात की जाए, उदयपुर संभाग की बात की जाए, तमाम जो यहाँ के जो कामकाज थे उनके कामकाज के बाद मुख्यमंत्री इन दोनों ही कलेक्टरों से खासतौर पर खुश थी। बीकानेर कलेक्टर की कभी बात की जाए, आरसी डोगरा, उनका कामकाज को लेकर काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा था, खुद मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ करी थी। ऐसी स्थिति में उनको नई भूमिका में नई जगह भेजा गया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन जो प्रभावशाली जो आईएएस अधिकारी है उनका उपयोग ऐसी जगह किया जाने को लेकर सरकार चाहती है जहाँ पर और काम की जरूरत है, जहाँ पर और सुधार की जरूरत है। फिलहाल 48 आईएएस के जो ट्रांसफर है वो किए जा चुके हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आज या कल में, अगले एक दो दिन में जो आईपीएस अधिकारी है उनकी भी तबादला सूची कार्मिक विभाग की ओर से जारी की जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। और 12 से बड़ी खबर, प्रशासन नाबालिग विवाह रोकने में नाकाम है। जलवाड़ा में माली समाज का विवाह सम्मेलन जारी है। सम्मेलन में आधे से ज्यादा नाबालिग जोड़े हैं। खुलेआम नाबालिग जोड़ों की शादियां हो रही हैं। जिला प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो सम्मेलन में नाबालिग जोड़ों की शादी कराई जा रही है और प्रशासन को इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जिला प्रशासन को इसकी जानकारी है कि सम्मेलन में शादी कराई जा रही है, नाबालिग हैं जिनकी शादियां कराई जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश कलवार फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश, हैरानी की बात है कि प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल, हम बता दूं कि जलवाड़ा गांव है जहां पर लगभग 50 शादी के जोड़े हैं, जहां पर 80% जोड़े हैं वो नाबालिग है। इसकी जानकारी आरा जिला प्रशासन को भी है, लेकिन उन युवाओं को प्रशासन रोकने में नाकाम रहा है। साथ ही इसके साथ ही है, बारह के जो जिला प्रमुख है वो माली समाज से हैं और उनके सानिध्य में सम्मेलन हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान कोल माइन को बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है, साथ ही भारत सरकार ने कोयला खान आवंटन के लिए खत मांगा है। राठौड़ ने कहा कि 1180 चिकित्सकों की पदोन्नति का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण कनिष्ठ चिकित्सक को ज्यादा वेतन मिल रहा था और वरिष्ठ चिकित्सकों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने इस विसंगति को दूर करने का फैसला लिया। साथ ही सरकार ने महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय के अध्यादेश 2015 को मंजूरी दे दी है। अब चूंकि भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से विद्युत उत्पादन निगम को भी कोयला खान आवंटन के लिए पात्र मान लिया है और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 200 मिलियन टन क्षमता के काटा एक्सटेंशन पर कोल ब्लॉक भी आवंटन भी हो चुका है, इसलिए अब इसकी कोई उपादेयता नहीं है, इसलिए इसको बंद करने का निर्णय लिया गया। एक कमेटी बनी जिसने साइट का निरीक्षण किया और उसने सारे मापदंड उचित पाने पर आज कबीना के सामने एक ऑर्डिनेशन के माध्यम से इस महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया है।
अनूपगढ़ के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय है, उसका नाम शेख बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़ करने का निर्णय कबीना ने किया, क्योंकि इस महाविद्यालय के बनाने के अंदर शेठ बिहारीलाल छाबड़ा के पुत्र और पौत्र का योगदान रहा। पशुओं के अंदर संक्रमण रोग को के फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान पशुओं में संक्रमण रोग से बचाव व रोकथाम ब्रैकेट में चेक पोस्ट एवं क्वारंटाइन कैंप मैनर ऑफ इंस्पेक्शन रूल्स 2014 को अनुमोदन किया है। आज किसान ने लंबे समय से विलंब के कारण जो ब्याज देय होता है उस ब्याज की मांग कर रहे थे, आज 50,42,390 रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने इस संदर्भ में जारी की है। शिक्षा विभाग में तबादला नीति के बारे में राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का कहना है कि अभी तबादलों का समय तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में जल्द ही तबादला नीति बनाई जाएगी। बकौल देवनानी, इसके लिए दूसरे राज्यों की तबादला नीति का अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षाविदों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। जल्द ही ये तैयार भी की जाएगी और उसके बाद नीति के आधार पर तबादले किए जाएंगे। नेपाल त्रासदी से प्रभावित राजस्थानियों की सहायता के लिए वसुंधरा सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में भी इस मामले में चर्चा की गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि दो वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में अधिकारियों का दल नेपाल में राहत कार्य में लगा है और प्रभावितों को प्रदेश में लाने के लिए रोडवेज की 5 बसें गोरखपुर भेजी गई हैं। राठौड़ के मुताबिक राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि 123 से प्रभावित लोगों की राजस्थान वापसी हो सकी है। श्रीमत पांडे के नेतृत्व में एक दल काठमांडू पहुंच गया है। सड़क मार्ग से काठमांडू से पोखरा, पोखरा से गोरखपुर होते हुए राजस्थान के अंदर जो वहां के निवासी आना चाहते हैं उनके लिए 5 रोडवेज की बसें पहुंच चुकी है। उन बसों में 120 लोग रवाना हो चुके हैं। आवश्यक मेडिकल टीम पहुंच गई है। अब तक 123 लोग राजस्थान के नेपाल से निकल कर आए हैं। सूबे ने सड़क हादसों में बढ़ते मौतों के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए 1 मई से सभी नगरपालिका इलाकों में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। ये बात पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट ने भीलवाड़ा में कही। उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर भी अब दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के पीछे बैठने वाली सवारियों को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। इसके कारण जहां अपराधों पर रोकथाम लगेगी वहीं दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में बुधवार से शिक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वर्कशॉप की शुरुआत हो गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका को सशक्त करना इस वर्कशॉप की थीम रखी गई। वर्कशॉप में शैक्षिक विकास की नवीन प्रवृत्तियों, नीतियों, योजना और प्रशासन के क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता विकास किए जाने पर विषय विशेषज्ञों द्वारा मंथन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि ये वर्कशॉप राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली के साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। ब्यावर नगर परिषद के आयुक्त को धमकी देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर परिषद के लगभग 350 कर्मचारी आयुक्त के समर्थन में हड़ताल पर उतर आए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से जहां कामकाज ठप पड़ गया है वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कर्मचारियों का कहना है कि पार्षद हर हाल में आयुक्त से माफी मांगे नहीं तो परिषद का कामकाज बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर परिषद के पार्षद रविंद्र जॉय ने परिषद के आयुक्त को मुंह काला कर जूते की माला पहनाने की धमकी दी थी। आप धमकी दे रहे हो, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी सही दे रहा है। कर्मचारियों का
ये जी ग्रुप का ये क्या क्या तो समझ में आ रही है आपके समझ में क्या रही था आपके समझ में आती रही साहब आपके समझ में आ रही है और फिर आप क्या आप खुदा होगी कि आप जो कर दो अरे साहब मेरी बात सुनो किससे बात कर रहे हो नहीं है खुदा से मैं कभी नहीं हूं खुदा से कम भी नहीं है आप तो कुछ भी कर दोगे मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं क्या कर लो हो जाएगा थाने के चेड़ी से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते मेरा मेरी शिकायत करवा सकते हो थाने में बंद करवा सकते हो 10-5 डंडे बढ़ा सकते हो शरीर में बहुत जान है इसकी बॉडी है सारे पार्षद हमारे कमिश्नर महोदय से टोटल ही परेशान है कोई भी पार्षद इनके पास जाता है एक ही बात है इनके पास में तकिया कलाम कि बिल्कुल काम करेंगे करने और काम करने के मामले में बिल्कुल जीरो पता नहीं ये नगर परिषद कैसे चलेगी ऐसे कैसे मामले हैं नगर परिषद में सफाई कर्मचारी जो परिवार गुजर गए उनके ग्रेजुएटी पैसा जो है वो आज तक नहीं मिला है उल्टे कर्मचारियों के बेचारे ब्याज के पैसे भर भर के परेशान हो रहे हैं और ये उन पैसों का मजा ले रहे हैं ब्याज कमा कमा के ये सही है कि हमारे पास में कर्मचारियों की कमी है 50 में से 50 की स्वीकृत स्ट्रेंथ में से 19 कर्मचारी हमारे पास में जिससे हमारे भी काम में समस्याएं बाधाएं आती हैं चैम्बर में आकर रविंद्र जॉय ने मुझे धमकी दी है कि आपको काला मुंह कर सकते हैं हम जूते पहना माला पहना सकते हैं हम आपको किसी भी हद तक जा सकते हैं। दौसा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहां दो कलयुगी मामाओं ने अपनी नाबालिग भांजी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना झुपड़िया गांव की है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों शख्स की शर्मनाक करतूत सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। इंसानियत और रिश्तों को तार तार करते इनके करतूत सुनकर एक बार के लिए आपका भी रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन आप डरिए मत, हर रिश्ता ऐसा नहीं होता। दौसा के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र का झुपड़िया गांव, नाबालिग अपनी माँ के साथ अपनी मौसी की शादी में गई थी। नाबालिग अपनी चचेरी मौसी की शादी में बेहद खुश थी। सारे रिश्तेदार थे शादी में, ये दोनों शख्स भी शादी में मौजूद थे। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों शख्स का नाबालिग से रिश्ता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ये दोनों नाबालिग के मामा हैं। चौंक गए ना आप ये सुनकर। रिश्ते का विश्वास था, भरोसा भाई और मामा पर था, लेकिन कौन जानता था कि हवस के आगे रिश्ते दरक जाएंगे। 27 अप्रैल यानी कि शादी वाली रात जब फेरों का कार्यक्रम चल रहा था तो हवस के पुजारी ये दोनों कमरे में सो रही अपनी नाबालिग भांजी के पास गए और उसे उठाकर एक सुनसान जगह ले गए जहां दोनों ने बारी बारी नाबालिग के साथ रेप किया। नाबालिग की चीख पुकार सुनकर शादी में शरीक होने आए लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मुकेश और बाबूलाल बैरवा हैं जिन्होंने पीड़िता को वहां से उठा के मकान के पीछे खेतों में ले गए और उसके साथ गैंगरेप कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई है, मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने दोनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। अजमेर कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवा होटल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने लंबी बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक फूल सिंह ने बताया कि जयपुर रोड स्थित होटल मालवा के पास रहने वाला नौरतमल काफी अरसे से बीमार चल रहा था और वो आदतन शराबी भी था। बीमारी के कारण उसने देर रात को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सराय रोड पर एक सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। इस दुर्घटना में 7 महिलाएं घायल हो गई जिन्हें इलाज के लिए दौसा की राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के शेखपुरा गांव के पास एक टेम्पो सराय से सिकंदरा की ओर जा रहा था, इसी दौरान एक जीप को बचाने के चक्कर में टेम्पो पलट गया। इस दुर्घटना में टेम्पो में सवार 7 महिलाएं घायल हो गई। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर जिले के सराफा बाजार में रात में हुई सोने के चांदी के आभूषणों की लूट कर भाग रहे दो बदमाशों को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश निहालगंज थाना क्षेत्र में
उसके अंदर से स्थित सराफा बाजार से एक व्यवसायी से आभूषणों से भरा बैग छीनकर भाग गए। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक निहालगंज पुलिस के साथ मिलकर नाकेबंदी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से और भी घटनाओं के खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके लिए पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। केकड़ी में एक मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। केकड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सुबह मासूम मोहल्ले में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी राजेश कुमार उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। इसी दरमियान उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने आरोपी को यह कृत्य करते देख लिया तो बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंच गए और भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे वाकये के दौरान आरोपी नशे में धुत था। एक महीने से ज्यादा हो गया, बेटे का कुछ पता नहीं चला, कहां चला गया कहां कोई नहीं जानता। पुलिस में रिपोर्ट तो की गई लेकिन वो ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। दीपक 15 साल का था, 9वीं में पढ़ता था, 35 दिनों से लापता है, कहां है कोई नहीं जानता। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, बेटे के लिए माँ बाप हर दर गए लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चला। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है लेकिन दीपक का कोई पता नहीं चला। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। रामगंज थाना क्षेत्र के UIT कॉलोनी के रहने वाली दंपत्ति अपने बेटे दीपक की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस तो दर्ज कर लिया लेकिन तलाश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। दीपक की मां बताती है कि कुछ दिनों से दीपक स्कूल नहीं जा रहा था, पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, झूठ बोलने लगा था तो मां ने डांट दिया। बस फिर क्या था, नाराज दीपक बिना बताए घर से चला गया। पता नहीं कहां चले गए मेरे बच्चा, आज एक महीना हो गया, 5 दिन हम तो बहुत परेशान हो गए। सब जगह ढूंढ के आए, सब जगह गांव वगैरह, जयपुर फोन कर लिए, जोधपुर कर लिए, सब जगह कुछ भी नहीं कह के गए, कुछ बता के भी नहीं गया। उस रिश्तेदारियों में भी सब जगह ढूंढ लिया, कुछ वजह तो नहीं थी, बस स्कूल की वजह से बोला था, भाई बेटा स्कूल जा, तू ऐसा मत कर, तू स्कूल नहीं जाता, हमको बोल के जाता है तू स्कूल जा रहा है, तू स्कूल नहीं जा रहा, मेरे को पता है, बस इतनी सी वजह थी और कुछ भी वजह नहीं थी। बेटे को तलाशने में पिता पुरुषोत्तम ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, रिश्तेदारी में, दोस्तों के यहाँ, सब जगह ढूंढा लेकिन दीपक का कुछ पता नहीं चला। पुलिस के लिए मैं गया था कल चौकी पे, तो उन्होंने भी ये बोला भाई प्रयास जारी है हमारा और जैसे पता लगेगा हम आपको बता देंगे, कहीं पे नहीं मिल रहा है, अब कहाँ आकर ढूंढू, तो ढूंढू कहाँ। पुलिस तो यही बोल रही है भैया जाँच चल रही है। हर आहट पर माँ चौंक जाती है, सोचती है कि उनका लाडला आ गया लेकिन लाडला लापता है। संतोष कुमार सोनी, अजमेर, समाचार प्लस। भीलवाड़ा में लुटेरों ने एक महिला से 4 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। लूट की वारदात गुर्जर मोहल्ले में हुई। लुटेरों ने महिला को तब निशाना बनाया जब वो एक मुंडन संस्कार के दौरान हिंदौरी में शामिल थी। लाल बाइक से आए लुटेरों ने महिला के गले में से रानी सेट और मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। लूट की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कराई और लुटेरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। बाड़मेर में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते सुहागरात के दिन ही पति ने गला घोटकर पत्नी की हत्या कर दी। मामला सेड़वा थाना इलाके के एहसान तला गांव का है। मौत की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवविवाहिता की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुदाबेरी गांव के रहने वाले आसुराम ने 24 अप्रैल को मामला दर्ज कराया कि इनकी 2 बेटियों की शादी 21 अप्रैल को एहसान तला के देरा
धीराज राम के घर हुई थी। शादी के दो दिन बाद उसकी एक बेटी को दामाद ने गला घोट कर मार दिया। पुलिस ने जांच की तो मामला सही पाया गया। हनुमानगढ़ में एक शख्स ने पत्नी और अपने औलाद को अपनाने से इनकार कर दिया। मामला सतीपुरा गांव का है। पत्नी का आरोप है कि पति विचित्र सिंह ने मां बाप और बहन बहनोई के बहकावे में आकर पिछले 16 साल से उसे और बच्चों को अलग कर दिया है। परिवार छोड़ने के पीछे जमीन में हिस्सा न देने की बात की मंशा बताई जा रही है। पीड़ित पत्नी का यह भी आरोप है कि उसे परिवार से अलग करने के बाद भी उसे परेशान किया जाता रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 16 साल से न्याय के लिए महिला भटक रही है। न्याय की आस में कई बार पारिवारिक पंचायतें भी हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं पति ने तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा रखी है। उधर पीड़ित पत्नी ने भरण पोषण की अर्जी भी कोर्ट में लगा रखी है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। चुनाव में बहन के संदिग्ध मौत की खबर ने भाई की जान ले ली। मामला मरहमपुर गांव का है जहां 7 महीने की गर्भवती विवाहिता कोसी के ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर बिना पीहर पक्ष को सूचना दी अंतिम संस्कार कर दिया। विवाहिता की मौत की जानकारी गांव के ही कुछ रिश्तेदार उसे मिली। उधर बहन की मौत का सदमा भाई सहन नहीं कर पाया और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए चिड़ावा थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक बुजुर्ग की गर्मी से मौत हो गई। मामला घसू गांव का है जहां सरकारी स्कूल के पास कड़ाके की धूप के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव के सरकारी स्कूल के पास एक लावारिस शव पड़ा मिला। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और 60 साल के बुजुर्ग का शव सड़क किनारे से बरामद किया। पुलिस का मानना है कि बुजुर्ग भिखारी था जिसकी मौत तेज धूप से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है लेकिन शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। लिहाजा शव का पोस्टमार्टम कराकर पालिका कर्मचारियों ने अंतिम संस्कार करवा दिया। धौलपुर में मिलावटखोर बेखौफ हो चले हैं। शादियों के सीजन में खाद्य पदार्थों सहित मावा और पनीर में खुलेआम मिलावट चल रहा है। अवैध कारोबार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस अवैध कारोबार को लेकर यहां पर मावा और पनीर के सैंपल लिए। धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में मिलावटी मावा और पनीर शहर की मंडियों में खूब बिक रहा है लेकिन स्वास्थ्य विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मिलावट करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान भी अभी तक शुरुआत नहीं की गई है और ना ही कोई मोबाइल टीम बनाई गई है जो मिलावटखोरों की नाक में नकेल डाल सके। भीषण गर्मी में भवानी मंडी में पानी का संकट गहरा रहा है। यहां लोग पीने के पानी के लिए जान हथेली पर रखकर पानी दूर से लाकर यहां अपनी प्यास बुझाते हैं। शहर के कल्याणपुरा वार्ड के लोगों की कर रहे हैं जिन्हें रेलवे पटरी पार करना पड़ रहा है पानी लाने के लिए। कई बार पानी लाने के दौरान लोगों को हादसों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार पानी लाते समय लोग ट्रेन की चपेट में आने से काल के गाल में समा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यहां 30 सालों से पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं आई है। जलदाय विभाग को कई बार लोगों ने शिकायत भी की है लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। बहरहाल अब जलदाय अधिकारी कार्य प्रगति होने की बात कह रहे हैं और जल्द ही काम पूरा होने का भी आश्वासन दे रहे हैं। दौसा में पानी संकट से लोगों को उबारने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों ने माथापच्ची की। प्रदेश में सर्वाधिक गंभीर पेयजल संकट दौसा में है। जिला कलेक्ट्रेट में प्रभारी सचिव और जलदाय विभाग के शासन सचिव ने अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक ली। डार्क जोन में तब्दील हो चुके दौसा में बिगड़ते हालात से निपटने के लिए शासन सचिव ने टैंकर से पानी सप्लाई कराए जाने पर जोर दिया। टैंकर पर जीपीएस सिस्टम लगाकर निगरानी रखे जाने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन दौसा में एडिशनल चीफ इंजीनियर यहां रहकर हालात का जायजा लेंगे। सरदा डैम से जल संकट सप्लाई करने में कुछ सालों का समय लगने की बात इस बैठक में कही गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।